महिमा ईशु प्रभु जी गाते आते है तुझ पास जीवन चल के प्यास एक ही तो है आस जग प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमेन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। योहन्ना अध्याय 7:37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में हम लोग स्वागत करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो क्योंकि हम सबको इस प्रकार से परमेश्वर के वचन के साथ बैठकर परमेश्वर के वचन से बहुत जो गहरी बातें हैं वो आसान तरीके से परमेश्वर जब हमारे सामने रखते हैं वो एक बहुत खुशी की बात है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर के मन की बातें परमेश्वर ने लिखित स्वरूप में पवित्र शास्त्र बाइबल में दिए हैं और वो पवित्र शास्त्र बाइबल में दिए हुए वचन हमारे लिए हमारी भाषाओं में उपलब्ध है और इसलिए उस प्रकार से हम लोग अपनी भाषा में पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। पर प्रियो, बहुत से लोगों को परमेश्वर के इन वचनों का उतना मूल्य नहीं रहा। आज हम जब देखते हैं हम लोग मनोरंजन के लिए इतना समय बिता देते हैं, बाकी जो बातें हैं उनके लिए हम इतना पैसा खर्च करते हैं, पर परमेश्वर के साथ बैठने के लिए हमारे पास समय नहीं रहता। प्रियो, धन्य है आप और धन्य है वे लोग जो अपने टेलीविज़न पर मनोरंजन को छोड़कर इस समय परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताने के लिए बैठे हैं। परमेश्वर आपको उसके लिए बहुतायत की आशीष दे और इसलिए आज परमेश्वर के वचन से जब हम सीखने जा रहे हैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूँ मलाखी की किताब की ओर। पुराने नियम का आखिरी किताब है मलाखी का किताब। मलाखी ने लिखी हुई भविष्यवाणी उसका 3रा अध्याय हम निकालेंगे और उसकी आयत 16 से लेकर आगे हम लोग पढ़ेंगे। उधर ऐसा लिखा है, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बात की और यहोवा ध्यान धर कर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन
वे लोग मेरे निज भाग ठहरेंगे और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसे कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। तब तुम फिरकर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़ने पर बहुतायत की आशीष दे। प्रिय भाई और बहनों, मलाखी का किताब ऐसा एक किताब है जिस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अगर हमारा बाइबल हम निकालें तो नए नियम, अगर आपके पास बाइबल हो और अगर आप पढ़ते हो तो नए नियम में बहुत से ऐसे हमारे पन्ने रहते हैं जो मैले हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग उसे पढ़ते जाते हैं, बार बार पढ़ते हैं। सुसमाचार हो या फिर प्रकाशित वाक्य हो या फिर पौलुस ने लिखे हुए बहुत से पत्रियां हो, ये सब हम बार बार पढ़ते हैं। पर बाइबल के कुछ ऐसे पुस्तक है जो हम लोग पढ़ते नहीं हैं क्योंकि हम लोगों को ये समझ में नहीं आती और हमें ऐसा लगता है कि ये पुराने नियम की बातें हैं, इसराइल लोगों के लिए होगी, हम लोगों के लिए नहीं है। और इसलिए बहुत से ऐसे ये जो पुस्तक है इनके बारे में हम ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं। प्रियो, मलाखी जो है ये ऐसे कहा जाता है कि ये छोटे भविष्यद्वक्ता थे, माइनर प्रॉफिट्स थे, पर ये छोटे मतलब ये इनके इम्पोर्टेंस में, महत्व में छोटे हैं ऐसा नहीं। इनका जो भविष्यवाणी है, ये छोटी भविष्यवाणियाँ इन्होंने की है, वो उनके साइज़ में छोटे हैं। और उसका जो महत्व है उसका मतलब ये नहीं कि उसका महत्व कम हुआ है। देखिए, मलाखी ने जो यहाँ पर भविष्यवाणी की, सिर्फ चार अध्याय है, पर उस चार अध्यायों में छोटी भविष्यवाणी जो है एक बड़ा सबक सिखाती है। और इसलिए जैसे हमने पिछले बार भी कहा, छोटी बातों को, छोटी घटनाओं को, छोटे लोगों को, छोटे जगह को हम कभी भी व्यर्थ ना समझें, क्योंकि छोटी बातों में से ही परमेश्वर महान बातें हमें बताती है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के बारे में ही देख लीजिए। प्रभु यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ? छोटी सी एक जगह पर। प्रभु यीशु मसीह कहाँ बढ़े? छोटी सी एक जगह पर। प्रभु यीशु मसीह का पूरा जीवन आप देखें, जो छोटी छोटी बातें थी उस पर प्रभु ध्यान देते थे। और इसलिए आज मलाखी की किताब में से एक ही आयत की ओर जब हम लोगों ने ध्यान दिया, उधर ऐसा लिखा है, आयत 16, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। यहाँ पर परमेश्वर के भय मानने वालों के बारे में लिखा है और वो लोग दो बातें यहाँ करते हैं और उसी की ओर आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूँ। पर इन लोगों को देखते वक्त, जिनको यहाँ कहा गया है कि ये परमेश्वर के भय मानने वाले थे, उनके बारे में जब देखते हैं उस समय आप लोगों का ध्यान लेके जाना चाहता हूँ, ये लोग किस समय में रहते थे, कैसे लोगों के बीच में रहते थे, इनकी पार्श्वभूमि कैसे थी, इनका बैकग्राउंड कैसा है, ये बात देखने के लिए हमारा ध्यान उसी आयत के पहले शब्द की ओर आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूँ। मलाखी 3:16 का पहला शब्द, तब यहोवा का भय मानने वाले। जब यहाँ कहा गया है तब यहोवा का भय मानने वाले, हम लोग पूछ सकते हैं कब, किस समय में यहोवा के भय मानने वालों ने ये सब बातें की जिस बारे में हम देखने वाले हैं। यहोवा के भय मानने वाले किस काल में, किस समय में, किन लोगों के बीच में रहते थे, देखिए वो जानने के लिए हम एक ही पन्ना पीछे पलट सकते हैं। मलाखी की किताब उसका पहला अध्याय पहली आयत में लिखा है, मलाखी के द्वारा इसराइल के विषय में कहा हुआ यहोवा का भारी वचन, और उसके आगे ऐसा लिखा है, यहोवा कहता है मैंने तुमसे प्रेम किया है परंतु तुम पूछते हो तूने किस बात में हमसे प्रेम किया। देखिए, परमेश्वर यहाँ पर जिन लोगों से बात करते हैं, जिस काल में इसराइली लोग के साथ परमेश्वर बात कर रहे थे, इसराइली लोग इस समय में बहुत व्यर्थ जीवन जीने वाले लोग हो गए थे, परमेश्वर से दूर गए हुए लोग थे। इनके बारे में अगर आप पढ़ें, बाहर के लोग अगर इन्हें देखते, परराष्ट्रीय लोग इन्हें अगर देखते, बाहर से ये सब एकदम अच्छी बातें करते थे। बाहर से ये लोग जो भी कुछ इनके त्यौहार थे या फिर जो भी कुछ इन्हें दिए हुए काम थे वो सब जैसा लिखा है वैसा करते थे। पर परमेश्वर बाहरी रूप देखने वाला परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर हमारे हृदय को देखते हैं। और परमेश्वर ने जब इनके हृदय को टटोल कर देखा तब परमेश्वर को समझ में आया कि इनका हृदय सीधा नहीं है। बाहर से ये बड़े बड़े अर्पण कर रहे हैं, बाहर से ये बड़े बड़े बातें कहते हैं,
बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं, बाहर से ये आराधना करते हैं, बाहर से मंदिर में जाकर ये सबके सामने बड़ा बड़ा दिखावा करते हैं, पर परमेश्वर जब इनके अंतःकरण में, इनके हृदय में देखते हैं, उनको कुछ अच्छी बात दिखाई नहीं देती। देखिए परमेश्वर यहाँ क्या कहते हैं, मलाकी 1:6 से आगे पढ़ रहा हूँ। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है, यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ। सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हैं ये बात पूछता है, परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया। तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो तो भी तुम पूछते हो हमने किस बात में, हम तुझे अशुद्ध ठहराते हैं इस बात में कि तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है। और उसके आगे बहुत कुछ लिखा है, प्रभु कहते हैं तुम अंधे पशुओं को बलि चढ़ाते हो या फिर लंगड़े रोगी पशु को ले आते हो, बहुत सी बातें यहाँ पर प्रभु ने की। और प्रभु आगे क्या कहते हैं, परमेश्वर इन लोगों से आगे क्या कहते हैं, देखिए उस समय के इसराइली लोगों से प्रभु क्या कह रहे हैं, मलाखी का 2:3। मैं तुम्हारे कारण बीज को झिड़कूंगा और तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे पर्वों के यज्ञ पशुओं का मल फैलाऊंगा और उसके संग तुम भी उठाकर फेंक दिए जाओगे। सोचिए ये लोग धार्मिक लोग हैं, बाहर से लोग कहेंगे अरे क्या यहूदी लोग हैं, कितने धार्मिक हैं, मंदिर में जितने बार जाना चाहिए जाते हैं, सभी पर्व मनाते हैं, जो अर्पण करना चाहिए अर्पण करते हैं, सभी बलि जो भी 5 बलि थे और 7 पर्व थे ये सब पूरा ये लोग इंग्लिश में हम कहते हैं टू द डॉट, मतलब जितना कहा हर एक बात को ये लोग मानते थे। पर परमेश्वर कहते हैं मुझे ये सब पसंद नहीं आता, मैं तुम्हारे खिलाफ हूँ, मैं मुझे ये बातों से घृणा है। क्यों परमेश्वर ऐसे कहते हैं? आज के संदेश का शीर्षक अगर हम रखें तो हम कह सकते हैं धर्मी और धार्मिक का फर्क, रिलीजियस वर्सेस राइचस। एक धर्मी व्यक्ति और एक धार्मिक व्यक्ति, एक धार्मिक व्यक्ति जिसे हम रिलीजियस कहते हैं और एक धर्मी व्यक्ति जिसे हम राइचस कह सकते हैं। देखिए हम सब धर्म का अनुसार करते हैं, हम सब धर्म के पीछे जाते हैं, हम उसे धर्म कहते हैं, मजहब कहते हैं, ऐसे अलग अलग बातें, अलग अलग उसके शीर्षक हमने दिए हैं। पर हम क्यों करते हैं ये सब, जिस बात पर हम विश्वास करते हैं क्यों उस पर विश्वास करते हैं? अगर हम एक ख्रिस्ती अपने आप को समझते हैं, ख्रिस्ती धर्म में अगर हम हैं, इस ख्रिस्ती धर्म में हम लोग क्या कर रहे हैं? क्या हम लोग सिर्फ धार्मिक जीवन जीना चाहते हैं या फिर हम लोग धर्मी हैं? प्रियो, धार्मिक होने में और धर्मी होने में बहुत बड़ा फर्क है। और परमेश्वर धार्मिक लोगों को नहीं ढूंढते, परमेश्वर धर्मियों को ढूंढते हैं। धार्मिक का मतलब क्या है? धार्मिक मतलब यहाँ पर ये इसराइली लोग जो कर रहे थे, वो इसराइली लोग यहाँ पर हम देखते हैं बाहर से बहुत अच्छा धार्मिक जीवन जीते थे, पर इनका हार्ट, इनका हृदय अगर देखा, ये लोग धर्मी नहीं थे। दे वर रिलीजियस ऑन द आउटसाइड बट ऑन द इनसाइड दे वर नॉट राइचस। परमेश्वर क्या चाहते हैं आप जानते हैं? परमेश्वर हम लोग जो कुछ करते हैं बाहरी रूप से, उससे ज़्यादा हमारे मन में हम कैसे हैं, उसकी ओर परमेश्वर का ध्यान है। क्योंकि परमेश्वर जानते हैं बाहर से मैं भी आपके सामने खड़ा हूँ, बहुत सा दिखावा कर सकता हूँ, बहुत सी बढ़ाई मार सकता हूँ, परमेश्वर के वचन से बहुत सी बातें कह सकता हूँ, पर अगर मेरा जीवन, मैं जो सिखा रहा हूँ या कह रहा हूँ उसके अनुसार नहीं रहा तो मैं सिर्फ एक धार्मिक व्यक्ति हूँ, मैं धर्मी नहीं हूँ। धार्मिक होना अच्छा है अगर आप अंदर से धर्मी हो तो। सिर्फ बाहर से धार्मिक रहकर अंदर से एक पाप का जीवन जीना ये बहुत गलत बात है, बहुत बुरी बात है। और परमेश्वर यहाँ पर कितने कठोर शब्द इनके खिलाफ उपयोग करते हैं, देखिए हमें कठोर लगेगा अगर हम ये बातें ऐसे कहें तो लोगों को पसंद नहीं आएगा। हमें अगर ऐसा कोई कहे, मुझे ऐसा अगर कोई कहे, मुझे भी पसंद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे मन को ठेस पहुंचती है अगर हमें कोई कठोर शब्द से कहे। पर परमेश्वर कहते हैं यहाँ पर 2:3 में कि तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे पर्वों में जो पशु तुम लाते हैं उनका मैल लेकर मैं तुम्हारे मुंह पर वो डालूंगा, तुम्हारे मुंह पर वो फैलाऊंगा और तुम्हें उधर से खुद ही मैं निकाल कर फेंक दूंगा। क्यों इतने कठोर बात प्रभु करते हैं? परमेश्वर को बहुत कम बातों से घृणा है, आप जानते हैं।
परमेश्वर पापियों पर भी प्रेम करते हैं। सोचिए, इतना प्रेम करने वाले परमेश्वर को अगर किसी बात से घृणा है तो सोचिए वो कितनी बुरी बात रहेगी। परमेश्वर को ढोंगी लोग जो हम कहते हैं, या फिर ढोंग दिखाने वाले, अंदर से एक जीवन बाहर से एक अलग जीवन ऐसा दिखाने वाले लोग परमेश्वर को पसंद नहीं है। हम पारदर्शक रहे, हमारा जीवन जो है अंदर से जैसा है ट्रांसपेरेंट रहे, बाहर जैसा है वैसा ही अंदर रहे। हमारा मन और हमारा मुख, हमारी वाचा और हमारा हृदय, ये एक समान रहे, ऐसे प्रभु की इच्छा है। प्रभु कहते हैं अध्याय 1:6, तुम मुझे पिता कहते हो तो मेरा भय कहाँ है, मेरा आदर कहाँ है? तुम मुझे मालिक कहते हो, प्रभु कहते हो, मेरा भय कहाँ है? मेरा सम्मान तुम नहीं करते, मेरा भय नहीं रखते। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, व्हाई डू यू कॉल मी लॉर्ड लॉर्ड एंड डू नॉट डू द थिंग्स दैट आई से? तुम मुझे प्रभु प्रभु कहते हो पर मैं जो कहता हूँ वो बात का अनुकरण नहीं करते, क्यों ऐसा करते हो? देखिए, ऐसे एक लोगों के बीच में लिखा है, ऐसे बुरे लोगों के बीच में, धार्मिकता दिखाने वाले लोगों के बीच में धर्मी लोग रहते थे। प्रभु कहते हैं तुम्हारे पर्वों का जो भी कुछ मैल है मैं तुम्हारे मुंह पर फैला कर तुम्हें निकाल कर फेंकना चाहता हूँ। पर उसी समय में यहाँ पर मलाखी लिखते हैं, मलाखी 3:16 में, तब ऐसे समय में यहोवा का भय मानने वाले आपस में उन्होंने बातें की और यहोवा का ध्यान धरकर उनकी वह सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम के सम्मान करते थे उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। ऐसे समय में परमेश्वर ने एक छोटे अवशेष को देखा। इस अवशेष के बारे में आप बाइबल में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य में पढ़ सकते हैं। एक छोटा ऐसा समुदाय, एक छोटा सा अवशेष जो सिर्फ धार्मिक नहीं है पर अंदर से धर्मी है। दे आर नॉट रिलीजियस ऑन द आउटसाइड बट दे आर राइचियस ऑन द इनसाइड। और परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए जो जानते हैं मैं जो विश्वास रखता हूँ क्यों विश्वास रखता हूँ, मैं जो विश्वास के पीछे जा रहा हूँ, ये सब जो मैं कुछ कर रहा हूँ इसका अर्थ क्या है, इससे क्या परमेश्वर के नाम को महिमा मिलती है या फिर मेरे मन को सुकून मिलता है। एक धार्मिक व्यक्ति अपने सुकून के बारे में सोचेगा पर एक धर्मी व्यक्ति परमेश्वर को खुश करने के बारे में, परमेश्वर के मन में आनंद लाने के बारे में, खुशी लाने के बारे में सोचेगा। और ये जो लोग हैं जिनका उल्लेख मलाखी 3:16 में किया है, ये लोग धर्मी लोग थे। और आज परमेश्वर को धर्मियों की खोज है, परमेश्वर धर्मियों की खोज में है। देखिए, आप अगर धार्मिकता का जीवन जी रहे हैं, बाहर से बहुत सी बातें कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, परमेश्वर के नाम में अगर आप बहुत कुछ काम करते हैं, ये अच्छी बातें हैं। पर प्रियो, बाइबल में लिखा है, यशया नबी कहते हैं उनके 64 अध्याय में, हमारे ये धर्म के काम जो है ये मैले कपड़ों के समान है। अगर हम अंदर से धार्मिक नहीं हैं तो हमारे ये धर्म का जो दिखावा है ये कुछ काम का नहीं है। तो हमने कैसे रहना चाहिए? हमने अंदर से धार्मिक रहना चाहिए, हम लोगों ने धर्मी रहना चाहिए, बाहर से धार्मिक अंदर से धर्मी। देखिए, यहाँ पर धर्मी लोगों के बारे में कहा है, कैसे हम पहचाने कि एक व्यक्ति धर्मी है? वो धर्मी लोग दो चीज़ें, दो बातें यहाँ करते हैं उस बात, मलाखी 3:16, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनके सुनता था। अभी देखिए, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते उनके स्मरण में के निमित्त उधर उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। यहोवा का भय मानते और दूसरी बात यहोवा का स्मरण करते, यहोवा के बारे में सोचते, उसके नाम का सम्मान करते। यहोवा का भय मानने का मतलब क्या है? यहोवा का भय मानने वाले ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को आदर के साथ, परमेश्वर के साथ पेश आते हैं। हम लोगों ने ईयूब के बारे में पढ़ा, ईयूब के बारे में लिखा है कि परमेश्वर ने उसके बारे में ऐसी गवाही दी, क्या तुमने मेरे सेवक, मेरे दास अय्यूब को देखा है? अय्यूब के बारे में क्या पढ़ते हैं कि वो एक धर्मी व्यक्ति था, ही वॉज अ गॉड फियरिंग पर्सन, परमेश्वर का भय रखने वाला एक व्यक्ति था। एक बेटा अपने पिता का कैसे भय रखता है, उस भय के बारे में यहाँ पर लिखा है। ना ही सिर्फ उतना, पर दूसरी बात यहाँ पर लिखी है, ना ही सिर्फ वो परमेश्वर का भय रखने वाले हैं पर उसके नाम का सम्मान करने वाले। अभी परमेश्वर के नाम का सम्मान करने वाले का मतलब क्या है?
देखिए, उसके लिए हमें यह पता रहना चाहिए परमेश्वर का नाम क्या है। परमेश्वर के नाम के बारे में हम लोग निर्गमन की किताब उसके 3:14 में पढ़ते हैं। परमेश्वर ने सबसे पहले जब अपना नाम बताया किसी को, तो मूसा को कहा, मैं जो हूँ सो हूँ, सार्वकालीन परमेश्वर मैं हूँ। आई एम दैट आई एम, मैं था, मैं हूँ और मैं रहूँगा। वही परमेश्वर ने कहा कि मैं उसके आगे निर्गमन 3:15 आप देखें, अगर आप उधर पढ़े तो लिखा है, मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर यहोवा हूँ। आई एम दैट आई एम, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर वो कहते हैं, आई एम यहोवा, मैं यहावे हूँ, मैं यहोवा हूँ। और वही परमेश्वर नए नियम में उनके बारे में लिखा है, इस जगत में प्रभु यीशु मसीह जब आए, उन्होंने अपना नाम, उनका नाम क्या लिखा गया, उनका नाम कहा गया कि उनका नाम यीशु है। और क्या कहा गया, मत्ती 1:21 और मत्ती 1:23 में लिखा है कि उनका नाम यीशु रख, और उसके आगे लिखा है उसका नाम इमैनुएल रहेगा। आप जानते हैं, ये लोग परमेश्वर के नाम का स्मरण करते थे। आज अगर हम लोगों को धर्मी बनना है, सिर्फ धार्मिक ही नहीं, अगर सचमुच परमेश्वर को खुश करना है, सचमुच परमेश्वर हमारे जीवन से, अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर को खुशी हो, तो हम लोग परमेश्वर का भय माने। हम लोग जाने कि बाहर से ये ढोंग करने से कुछ फ़ायदा नहीं, हमारा जीवन अंदर से बदलना चाहिए। हमारा जीवन अंदर से कैसा बदलेगा, दूसरी वो बात करके, क्या करना है, परमेश्वर के नाम का स्मरण करना। ये याद रखना कि स्वर्ग का परमेश्वर, फिलिपियों की पत्री 2:5-11 आप पढ़ सकते हैं, जो परमेश्वर पिता के समान थे प्रभु यीशु मसीह, उन्होंने अपना स्वर्ग का स्थान छोड़कर अपने आप को रिक्त किया, इस जगत में आए, मनुष्य का रूप धारण किया, और मनुष्य का रूप धारण करके कलवरी के क्रूस पर एक आज्ञाधारक सेवक के रूप में अपने आप का प्राण दिया, इसलिए कि जो कोई विश्वास करे कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, वो नाश ना हो पर वो सार्वकालिक जीवन प्राप्त करे। प्रभु यीशु मसीह पर अगर हम विश्वास करते हैं, और उस विश्वास के तहत जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा वास करते हैं, उसके बाद हम लोग धर्मी ठहराए जाते हैं। इस बारे में हम आगे कुछ सप्ताहों में देखेंगे, पर धर्मी ठहराए जाना धार्मिक होने से बहुत बड़ी बात है। धार्मिकता का ढोंग हम ना करें, पर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम का स्मरण करें, जो परमेश्वर हमारे लिए एक मनुष्य रूप धारण करके इस जगत में आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, उन पर विश्वास करें, और ऐसे विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह, आपका लहू मेरा ये ढोंग, मेरा ये पाप सब निकाल सकता है। मैं सिर्फ बाहर से धार्मिक नहीं होना चाहता प्रभु, पर मैं एक धर्मी व्यक्ति होना चाहता हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू बी रिलीजियस, आई वॉन्ट टू बी अ राइचियस पर्सन, ऐसा हम कहें। मुझे धार्मिक नहीं बनना, धर्मी बनना है, और धर्मी बनने के लिए मैं प्रभु पर विश्वास अगर करता हूँ, पवित्र आत्मा मुझे चालना देंगे कि मैंने कैसे एक धर्मी जीवन जीना, एक नीतिमान जैसे व्यक्ति का एक जीवन मैं कैसे जी सकता हूँ। ऐसे करने के लिए प्रभु आपकी और मेरी सहायता करें। अगले हफ्ते हम लोग इसी भाग से देखेंगे कि परमेश्वर एक धर्मी व्यक्ति के साथ कैसा सलूक, कैसा व्यवहार करते हैं। अभी के लिए याद रखें, तब यहोवा का भय मानने वाले, उन्होंने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनके सुनता था, और यहोवा का जो भय मानते उसके नाम का सम्मान करते थे। उसके आगे की बातें अगले सप्ताह देखने के लिए परमेश्वर की अनुमति अगर हो, परमेश्वर आपकी और मेरी सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता, जीवन जल, नव भावना बिल्डिंग, 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 40025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। YouTube जीवन जल TV
@YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, हर बुधवार शाम 6:30 बजे और शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।